नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22वां पार्ट है ये लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की किताब का। यहाँ पे किन किन चीजों के बारे में बात होगी, तो आर्टिकल 17 जो कि है अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 18 जो कि है एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, और आर्टिकल 19 जिसमें आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 राइट्स की बात की गई है। उन 6 राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और दूसरा राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इतनी चीजों को हम लोग इस वीडियो में दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वही जो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर अब तक आपने लक्ष्मीकांत की किताब नहीं खरीदी है, खरीद के अपने सामने पीडीएफ रख लीजिए और साथ में बैठ के पढ़िए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें इसको। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं किस पे, अनटचेबिलिटी पे। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल देखें दोस्तों अनटचेबिलिटी का, तो ये है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल। देखते हैं क्या लिखा है। Abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. यानी ये बोला जा रहा है कि भाई untouchability को abolish कर रहे हैं और untouchability के जितने भी forms हैं उन सबको abolish कर रहे हैं। ये खास बात ये वाली है, द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस अकॉर्डिंग विद लॉ। यानी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते वक्त किसी भी तरीके से अगर आप अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं जिससे एक पर्सन को डिसेबिलिटी हो रही है कुछ भी करने में, यहां पे देखिए दोस्तों अनटचेबिलिटी को आप जो ट्रेडिशनल मतलब है अनटचेबिलिटी का उससे मत जोड़िएगा। आपको पता है दोस्तों एंशियंट इंडिया में हमारी जो सो कॉल्ड अपर क्लासेस थी, जो धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने जो सो कॉल्ड लोअर क्लासेस के लोग थे उनमें दबा दिया। और लोअर क्लासेस में भी एक ऐसा तबका था जिसको ये लोग छूते तक नहीं थे, जो लोग सिटी से बाहर रहते थे, और जब वो सिटी में आते थे एक वुडन क्लैपर को बजाते हुए आते थे, और जैसे ही लोग उन वुडन क्लैपर को सुन लेते थे तो वो वहां से चले जाते थे ताकि वो इन टचेबल्स को देख ना पाए। इस हद तक इनके खिलाफ उस समय पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था दोस्तों, ठीक है। तो वो डिस्क्रिमिनेशन हिस्ट्री में आप देखेंगे अलग अलग समय में अलग अलग तरीके का था, केवल एक तरीके का नहीं था। हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था। फॉर्चुनेटली जैसे जैसे समय बीतेगा डिस्क्रिमिनेशन थोड़ा कम होगा। 1947 तक आएंगे, डिस्क्रिमिनेशन एंशियंट टाइम से काफी कम हो जाएगा, और अभी को अगर आप कंपेयर करोगे 1947 के हिसाब से तो डिस्क्रिमिनेशन काफी कम हो चुका है। लेकिन अनटचेबिलिटी का मतलब यहां पे केवल छूना नहीं है, अनटचेबिलिटी का मतलब कि सोशल डिसेबिलिटी, किसी भी तरीके की सोशल डिसेबिलिटी अगर आप अपनी हरकत से कॉज कर रहे हो किसी दूसरे इंसान को तो उसको ऑफेंस माना जाएगा, जिसको इन अकॉर्डेंस विद लॉ पनिश किया जाएगा। इसके लिए भाई सबसे पहले तो 1955 में एक एक्ट आया था, उस 1955 में अमेंड किया गया उस एक्ट को, उस 1955 के एक्ट को अमेंड किया गया 1976 में, किसके थ्रू, द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, ठीक है। तो भाई 1976 में इस अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 को कॉम्प्रिहेंसिवली अमेंड किया गया और उसको नया नाम क्या दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ताकि भाई अनटचेबिलिटी या सोशल डिसेबिलिटी से रिलेटेड अगर कोई भी चीज आप करते हो किसी के अगेंस्ट में भी, द सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस के अगेंस्ट में, तो आपको उसके लिए पनिश किया जाएगा। अब हमारे संविधान में दोस्तों अनटचेबिलिटी शब्द तो है, पर क्या अनटचेबिलिटी की कोई डेफिनेशन है, नहीं है। आप आर्टिकल 17 देखिए दोस्तों, आपको अनटचेबिलिटी की कोई भी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। तो हमें पता कैसे चलेगा अनटचेबिलिटी क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि अनटचेबिलिटी किसी भी तरीके की सोशल डिसेबिलिटी, ये डेफिनेशन किसने दी, ये डेफिनेशन दोस्तों आपको मिलेगी मैसूर हाई कोर्ट। मैसूर हाई कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में बोला कि आप अनटचेबिलिटी को एक लिटरल सेंस में मत लीजिए, अनटचेबिलिटी को यहां पे पूरे के पूरे कास्ट सिस्टम के साथ जोड़ के देखा गया, और यह बोला गया कि कास्ट सिस्टम में किसी भी तरीके का अत्याचार, जो कि आप सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लासेस पे करते थे, किसी भी तरीके का अत्याचार, किसी भी तरीके की सोशल डिसेबिलिटी अगर आप किसी भी क्लास के पर्सन पे लगाते हो जिससे उसको कुछ डिसएडवांटेज होता है, जिससे उसको कुछ परेशानी होती है, तो आपको इसके लिए पनिश किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इस पनिशमेंट में कुछ स्पेसिफिक तरीके का पनिशमेंट शामिल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए किसी रूरल इलाके में रहते हैं, और रूरल इलाके में रहने
मैं आप मान लीजिए किसी एक कास्ट को बिलोंग करते हैं, मैं किसी कास्ट का नाम तो देखिए यहाँ पे नहीं लूंगा, मान लीजिए आपके कास्ट का नाम है ए। अब इस कास्ट के अपने कुछ नियम है, देखिए हमेशा से कास्ट अपने तरीके से जी रही है, वो शादी अपने हिसाब से करते हैं, उनके रहने का तरीके अलग है, उनके खान पान के तरीके अलग है, भाषा भी थोड़ी बोड़ी बदल जाती है, ठीक है, बोलचाल भी हल्की फुल्की चेंज हो जाती है। तो ये एक कास्ट के लोग हैं मान लीजिए, अब इनके यहाँ पे शादी का एक स्पेसिफिक तरीका है आप मान लीजिए, बट आप ये सोचिए कि इस एक कास्ट के अंदर एक फैमिली है, ठीक है, और उस फैमिली के एक लड़के ने किसी दूसरे कास्ट की लड़की से शादी कर ली। तो इस एक कास्ट के अंदर एक फैमिली है और इस फैमिली के किसी एक लड़के ने एक दूसरे कास्ट की लड़की से शादी कर ली, तो वैसे तो उसने लॉफुली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ भी लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को उसने वॉयलेट नहीं किया, बट उसने इस कास्ट के एथोस को वॉयलेट कर दिया, उसने इस कास्ट की फीलिंग्स को वॉयलेट कर दिया। तो इस कास्ट ने क्या किया, इस कास्ट ने उनको सोशल बॉयकॉट कर दिया। अब सोशल बॉयकॉट में इन्होंने क्या किया, सोशल बॉयकॉट में इन्होंने इनसे बोला कि भाई आप हमारे साथ बैठ के बातचीत नहीं कर सकते, हम आपके साथ किसी भी तरीके का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे वगैरह वगैरह। देखिए अब दो चीजें हैं दोस्तों यहां पे, एक ऐसा सोशल बॉयकॉट होता है जिसमें अगर लड़का लड़की माँ बाप की मर्जी के अगेंस्ट जाके दूसरी कास्ट में शादी कर लेते तो उनको मार दिया जाता है, जिसको बोला जाता है ऑनर किलिंग। आप सब जानते हैं ऑनर किलिंग इज अ क्राइम, लेकिन मान लीजिए किसी एक कास्ट के एक लड़के ने बाहर के कास्ट के लड़के से शादी कर ली तो उसको बॉयकॉट कर दिया, यानी उस कास्ट के लोगों ने बोला कि भाई हम तुमसे अब बात नहीं करेंगे, हम तुमसे किसी भी तरीके का रिश्ता नहीं रखेंगे और तुम हमारे जो रिलीजियस गैदरिंग है उसमें तुम आ नहीं सकते, हमारी जो गैदरिंग्स होंगी उनमें हम तुमको नहीं आने देंगे। तो क्या इस सोशल बॉयकॉट को दोस्तों अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन के अगेंस्ट माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अनटिल अनलेस आप एक ऐसा सोशल बॉयकॉट नहीं कर रहे हो जो वायलेंटली किसी को परेशान कर रहा है, फिजिकली किसी को परेशान कर रहा है, मेंटली किसी को परेशान कर रहा है, ठीक है, या कोई क्राइम कर रहा है जैसे कि ऑनर किलिंग, जब तक इस तरीके का कुछ नहीं होता तब तक इस तरीके के जो सोशल बॉयकॉट्स होते हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, इसको भाई आप क्या बोलोगे, इसको आप ये बोलोगे कि हाँ भाई ठीक है ये अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन को वायलेट नहीं करता, क्योंकि आप उस लड़का लड़की को दौड़ा दौड़ा के मार नहीं रहे, उसको परेशान नहीं कर रहे, उसको चेस नहीं कर रहे, उनको बस आपने बॉयकॉट कर दिया कि भैया तुम अलग रहो हम अलग रहे, ठीक है। तो नॉर्मल अगर इंडिया में ऐसा हो जाता है, ठीक है, माँ बाप की मर्जी के अगेंस्ट जाके बच्चे शादी कर लेते हैं तो बच्चों को माँ बाप बॉयकॉट कर देते हैं, बच्चे को माँ बाप बोल देते हैं हम तुमको अपनी जायदाद में कोई हिस्सा नहीं देंगे, तुम्हें खानदानी जायदाद में कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरीके की चीज कोई हो रही है तो अनटचेबिलिटी का वॉयलेशन नहीं है यहाँ पे, एक बात ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आर्टिकल 17 का ये जो आप कह सकते हैं राइट मिला हुआ है ये किसके अगेंस्ट मिला है दोस्तों, तो ये ऑब्वियसली बात है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट मिला है, क्योंकि देखिए सरकार तो अब आपके अगेंस्ट में कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, अनटचेबिलिटी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, इसके पुख्ता इंतजामात कर दिए गए आर्टिकल 15 में आर्टिकल 16 में। लेकिन एक प्राइवेट इंडिविजुअल आपके अगेंस्ट कुछ कर सकता है, तो आप भी आज भी डेट में आप रूरल इलाके में देखते हो कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो बड़े बड़े जमींदार हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को परेशान करते हैं, तो क्या अगर आप लोअर कास्ट के लोगों को परेशान कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट आर्टिकल 17 आपको प्रोटेक्शन देता है, स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन की यहां पे जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्टेट का तो काम ही है आपको अनटचेबिलिटी से बचाना या किसी भी तरीके की सोशल डिसेबिलिटी से बचाना, और स्टेट का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, स्टेट की ये जिम्मेदारी है कि किसी के अगेंस्ट भी किसी भी तरीके की सोशल डिसेबिलिटी डिसएडवांटेजनेस या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं किया जाएगी, और स्टेट इस बात का ध्यान रखेगा किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल के थ्रू किसी एक पर्सन के राइट्स वॉयलेट नहीं होने चाहिए, खासकर अनटचेबिलिटी के सेंस में। वो सेंस क्या है वो तो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई दिया। तो दिस राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, एक बात हो गई। आगे आते हैं हम लोग एबोलिशन ऑफ टाइटल्स पे, ये आर्टिकल 18 है और ये इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज देख लेते हैं। अब इस समय पे आप दोस्तों एक काम करिए, इस वीडियो को एक मिनट के लिए पॉज करके ये जो मैंने बोल्ड में अंडरलाइन कर रखा है इसको एक बार पढ़िए। बेसिकली दिस इज द टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 18 और इस टेक्स्ट के साथ आपको सब कुछ दोस्तों समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाना शुरू करता हूं, लक्ष्मीकांत की जो किताब में लिखा हुआ है ना दोस्तों वो बेसिकली इसी आर्टिकल के टेक्स्ट का क्रक्स है। देखिए लक्ष्मीकांत की किताब में पहला पॉइंट क्या लिख रखा है,
लक्ष्मीकांत की किताब में पहला पॉइंट रखा है, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री ऑफ एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी कि एक स्टेट किसी भी तरीके का कोई टाइटल नहीं दे सकती। हाँ, मिलिट्री टाइटल दे सकती है, एकेडमिक डिस्टिंक्शन दे सकती है। तो विंग कमांडर मिलिट्री टाइटल है, कर्नल मिलिट्री टाइटल है, लेफ्टिनेंट कर्नल मिलिट्री टाइटल है, कैप्टन मिलिट्री टाइटल है, नायब सूबेदार मिलिट्री टाइटल है। ये पॉइंट लिखा है लक्ष्मीकांत में, क्या बोलता है कि भाई स्टेट कोई भी टाइटल नहीं दे सकता। स्टेट केवल दो तरीके के टाइटल दे सकता है, एक तो स्टेट दे सकता है मिलिट्री टाइटल जो कि मैंने अभी आपको बताया, और एक स्टेट दे सकता है एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन में डॉक्टर, ठीक है ना, तो डॉक्टर फला फला, आपको ये सब चीजें पता ही है। तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन हमको मालूम है, मिलिट्री डिस्टिंक्शन हमको मालूम है। अब सवाल यहाँ पे ये आती है कि भाई ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, क्या ये भी गलत हो गए, क्या ये भी इलीगल हो गए, चूंकि ये भाई ये तो टाइटल्स हैं। आप देखोगे दोस्तों, इनके ऊपर काफी बहस चली है। 1996 में ये केस पहुंचा आपका सुप्रीम कोर्ट, और आप देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि देखिए, और ये केस क्या था, 1996 में केस था बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई देखिए, ये भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इसलिए दिए जाते हैं, उन लोगों को ऑनर करने के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने आर्ट के फील्ड में, साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, सोशल प्रोग्रेस के फील्ड में कुछ बहुत स्पेशल किया हो। तो ये देने जरूरी है, इससे आप मेरिट को प्रमोट करते हो। अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आप मेरिट को प्रमोट नहीं करोगे। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये देखिए, टाइटल की डेफिनेशन में ही नहीं आते हैं, दे डोंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ टाइटल। तो पहले के समय में बहुत तरीके के टाइटल्स दिए जाते थे, तो भाई महाराजा का टाइटल था, राय बहादुर का टाइटल था, राज बहादुर का टाइटल था, राय साहब का टाइटल था, दीवान बहादुर, दीवान, इस तरीके के टाइटल्स बंद हो गए। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये टाइटल नहीं है अंडर आर्टिकल क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आप दे सकते हो, क्योंकि आपको मेरिट को भी प्रमोट करना है इंडिया में, ठीक है। लेकिन ये जो शब्द है आपके, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इनको ना ही प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ना ही इनको सफिक्स की तरह इस्तेमाल किया जाए। दे कैन नॉट बी यूज्ड एज सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस। जैसे कि एक आदमी जब अपना नाम लिखता है ना, डॉक्टर मोहन सिंह मान लीजिए, तो अगर उसी मोहन सिंह को भारत रत्न मिल गया तो भारत रत्न मोहन सिंह ये वो नहीं लिख सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। आप अक्सर अगर घरों के बाहर जाइए तो कोई डॉक्टर का घर है तो बाहर डॉक्टर मोहन सिंह लिखा होता है, तो भारत रत्न मोहन सिंह नहीं लिखा जा सकता। अगर आप इसको एज अ प्रीफिक्स या एज अ सफिक्स इस्तेमाल करोगे तो आपका अवार्ड आपसे वापस लिया जा सकता है, आपका अवार्ड आपसे छीना जा सकता है। इसके ऊपर काफी बहस चली है दोस्तों। 1954 में कांग्रेस की सरकार इन अवार्ड्स को लेके आई थी, 1977 में मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई जनता पार्टी की, तो उन्होंने इस अवार्ड को हटा दिया। 1980 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसको फिर ले आई। अपोजिशन इस बात पे लगातार बहस कर रहा था कि भाई ये अवार्ड आप देते क्यों, किस बेसिस पे दे रहे हो, आर्टिकल 18 को वॉयलेट कर रहे हैं ये अवार्ड। तो 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, और कौन से केस में बोला सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका बालाजी राघवन वर्सेज ऑन यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि भाई ये जो भारत रत्न पद्म विभूषण है ना, ये भाई टाइटल है ही नहीं अंडर आर्टिकल क्लॉज 1। ठीक है, एक चीज आपको ये समझ में आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भाई सिटीजन ऑफ इंडिया फॉरेन स्टेट का कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। देखिए क्या लिखा है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। कोई भी भारत का सिटीजन किसी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल व्हाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। मान लीजिए दोस्तों कि कोई फॉरेनर है और वो फॉरेनर इंडिया की किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बैठा है। देखिए, इंडिया गवर्नमेंट के पास ये ताकत है कि वो मेरिट के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से किसी फॉरेन पर्सन को इंडिया की किसी एक इंपॉर्टेंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठा सकते हैं या इंडिया के किसी ट्रस्ट में बैठा सकते हैं।
तो मान लीजिए ऐसा कोई पर्सन जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, भारत का सिटीजन नहीं है, बट वो ऐसी किसी ट्रस्ट में बैठा है, ऐसी ही किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में बैठा है, तो उस केस में दोस्तों वो किसी और देश से किसी भी तरीके का टाइटल नहीं ले सकता। और अगर उसको किसी और देश से किसी तरीके का टाइटल लेना है तो उसको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रायर कंसेंट लेना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का प्रायर कंसेंट चाहिए अगर कोई ऐसा फॉरेनर जो कि इंडिया में किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर डिप्लॉयड है उसको बाहर के किसी देश से किसी तरीके का कोई टाइटल लेना है तो, ठीक है। आगे देखते हैं, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काउंट फ्रॉम एनी फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। क्या बोला जा रहा है यहां पे? कोई भारत का नागरिक या कोई फॉरेनर, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे कोई फॉरेनर हो, अगर उसने इंडिया में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले रखा है या किसी ट्रस्ट में वो बैठता है और वो ट्रस्ट स्टेट के अंदर में है, तो वो किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट नहीं लेगा फॉरेन स्टेट से, किसी भी तरीके की पेमेंट नहीं लेगा फॉरेन स्टेट से, या फॉरेन स्टेट के द्वारा दिया गया कोई भी ऑफिस या कोई भी नौकरी वो नहीं लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब यहां पे टाइटल नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे इमोल्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ पे गिफ्ट दिए, ये देखिए प्रेजेंट दिए जा रहे हैं, इमोल्यूमेंट दिए जा रहे हैं, ऑफिस दिया जा रहा है, कोई सरकारी नौकरी टाइप की है, कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट दी जा रही है, तो इस तरीके की इंपॉर्टेंट पोस्ट गिफ्ट इमोल्यूमेंट भी आप नहीं ले सकते, चाहे आप सिटीजन है चाहे आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, बस इंडिया के किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिया की किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे, या फिर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काम कर रहे हो या स्टेट के अंदर किसी ट्रस्ट में काम कर रहे हो, उस केस में आप चाहे फॉरनर हो चाहे सिटीजन हो, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना बाहर की कंट्री से ना कोई गिफ्ट लेंगे, ना ही कोई एमोल्यूमेंट लेंगे, और ना ही किसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट के ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे। ये सब बातें बोली गई हैं। देखिए बहुत सिंपल है दोस्तों, मैंने तो आपको सिटीजनशिप के आर्टिकल समझा दी जो कि इतने कॉम्प्लेक्स थे, ये तो बहुत ही सिंपल है। आई होप आपको समझ में आ गया, आप बस एक रीडिंग मार दो ना इस आर्टिकल 18 की, आपको सब समझ में आ जाएगा, और केवल वो चार पॉइंट्स पढ़ लीजिए जो कि आपके लक्ष्मीकांत में लिखे हुए ए बी सी डी, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों। आगे चलते हैं, आते हैं मेन चीज पे, राइट टू फ्रीडम यहां से शुरू हो रहा है, और जब राइट टू फ्रीडम की बात आती है आर्टिकल 19 की तो छह राइट्स की बात आती है। कौन कौन से हैं वो राइट्स, वो देखते हैं। देखिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यहां पे सबसे पहले तो लिख लीजिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में आएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सब क्लॉज बी में आएगा फ्रीडम ऑफ असेंबली जिसको लिखा गया है टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, सब क्लॉज सी में आएगा एसोसिएशंस को फॉर्म करने की फ्रीडम होना है टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, फिर सब क्लॉज डी में क्या आएगा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी आप पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया में मूव कर सकते हैं, फिर सब क्लॉज ई में क्या आएगा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंट एंड सेटलमेंट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिर इसके बाद बीच में एक एफ था उस एफ को अब ओमिट कर दिया गया, और फाइनली क्या आएगा जी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों इस एफ में क्या था, इस एफ में था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, बट इस एफ में जो राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी था उसको 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू हमारे संविधान हमारे फंडामेंटल राइट्स के इस 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ से हटा दिया गया और उसको एक लीगल राइट बनाया गया है। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट बनाया गया है, ठीक है। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो छह राइट्स हैं दोस्तों ये आपको केवल स्टेट एक्शन से बचाते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल से नहीं। देखिए आपके लक्ष्मीकांत की किताब में भी लिखा हुआ है दीज सिक्स राइट्स आर प्रोटेक्टेड ओनली अगेंस्ट स्टेट एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए भैया आप यूपी में रहते हो और यूपी में आपको पसंद नहीं आया तो आप यूपी से निकल गए और आप बॉम्बे आ गए, आप बॉम्बे पहुंचे और बॉम्बे में आप रहने की जगह ढूंढ रहे हो, अब आपको कोई रहने की जगह मिल नहीं रही, ठीक है, तो आप जगह जगह पे जाके
घर ढूंढ रहे हो, आपको रहने का घर मिल नहीं रहा, आपके पास पैसे कम है और जो मकान मालिक है वो ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। अक्सर कर बॉम्बे में ऐसा होता है, मेरे साथ भी कई बार हुआ है। तो अब देखिए, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट में आप ये नहीं बोल सकते कि भाई ये तो किराया ज्यादा मांग रहा है, मेरे पास तो राइट टू रेजिडेंस है कि मैं पूरे इंडिया में कहीं पे भी जाके सेटल हो सकता हूँ। तो मैं भाई यूपी से मुंबई में सेटल होने आया हूँ और मेरे सेटल होने में जो हाई किराया है ये रोक रहा है। तो क्या सरकार इसमें आपकी मदद कर सकती है? नहीं मदद कर सकती, क्योंकि तो जिस प्रॉपर्टी में आप रहने जा रहे हो ना, वो एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है, वो उसका घर है और उसके पास ये पूरे राइट्स हैं कि वो जितना चाहे उतने दाम में, उतने किराए में अपने घर को चढ़ाए, वो चाहे तो आपको दे, चाहे तो आपको ना दे। सीधी सीधी बात है यहाँ पे, समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल देता हूँ, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस। मान लीजिए आप इंदौर गए और इंदौर में आपने सोचा कि मैं दाल का व्यापार करूंगा, पल्सेस का व्यापार करूंगा, मैं दालें खरीदूंगा बेचूंगा, ये आपने दिमाग लगाया। आप इंदौर पहुंचे, इंदौर में आप दालें बेचने खरीदने के लिए मंडी अंडी में गए, वहां पे आप पहुंच के देख रहे हो कि भैया यहाँ तो पूरा का पूरा जमघट लगा हुआ है, यहाँ तो जो दाल के विक्रेता हैं उन्होंने मार्केट को मोनोपोलाइज कर रखा है, उनकी आपस में सांठ गांठ है और वो किसी आउटसाइडर को अंदर ही घुसने नहीं दे रहे हैं। तो जब वो आउटसाइडर को अंदर नहीं घुसने दे रहे, लेकिन हाँ उन्होंने सीधे सीधे कुछ नहीं किया, उन्होंने सीधे सीधे अपना एक ग्रुप बना लिया है और उस ग्रुप में वो आपको सीधे सीधे तो परेशान नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली आपको अंदर नहीं घुसने दे रहे बिजनेस के। तो क्या आप इस बेसिस पे जाके ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, मैं कहीं भी जाके बिजनेस कर सकता हूँ, बट ये तो मेरी बिजनेस एंट्री को ब्लॉक कर रहे हैं। भले डायरेक्टली ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली ब्लॉक कर रहे हैं, बट ब्लॉक तो कर रहे हैं। नहीं, जो भी नियम कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं उन सारे नियम कानून को वो दाल विक्रेता मान रहे हैं। तो आप अपनी काबिलियत से वहां पे घुसिए, अगर वो आपको घुसने नहीं दे रहे हैं, मंडी में बैठने नहीं दे रहे हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके चलते आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को घुसेड़ नहीं सकते, समझ गए दोस्तों? तो मैं यही आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि स्टेट के एक्शन से आपको बचाता है आर्टिकल 19, प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन से आर्टिकल 19 आपको नहीं बचाता है। प्लस एक चीज और लिखी लक्ष्मीकांत में, उस पर भी ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है कि भाई ये जो राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंदर, दीज राइट्स आर ओनली अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया एंड शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी। अब वो कंपनी भले ही फॉरेन की हो, भले वो फॉरेन की कंपनी है, बट अगर शेयर होल्डर्स इंडिया के हैं तो उनको ये राइट मिलेगा आर्टिकल 19 का, ठीक है। दूसरा, अगर आप भारत के सिटीजन है तो आपको आर्टिकल 19 का राइट मिलेगा, लेकिन अगर आप फॉरेनर हैं आर्टिकल 19 आपको नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, अब फॉरेनर यहाँ पे कोई पाकिस्तान का पर्सन आके यहाँ पे उल्टी सीधी बकवास कर रहा है, स्पीच दे रहा है, हेट स्पीच दे रहा है, तो क्या उसको अलाउ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एक फॉरेन से, यूएसए से आके आदमी यहाँ पे सीधे सीधे प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है कि भैया मेरा फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, नहीं अलाउड है। तो फॉरेनर्स को आप अलाउड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब आप बाहर के देश में जाओगे एज अ टूरिस्ट, घूमो फिरो और बाहर निकलो, क्या वो आपको वहां पे प्रॉपर्टी खरीदने देंगे? क्या वो आपको वहां पे रहने देंगे? अगर रहना है तो वर्क वीजा लीजिए, ठीक है। एक चीज ये बोली गई। फिर जो कंपनीज हैं और कॉरपोरेशंस, जो बड़ी बड़ी कंपनी रजिस्टर्ड हैं, उन कंपनी के शेयर होल्डर्स को आर्टिकल 19 के प्रोटेक्शन प्राप्त है, बट उस पूरी की पूरी कंपनी को, उस पूरी के पूरे कॉरपोरेशन को आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बड़े बड़े कॉरपोरेशन, बड़े बड़े कंपनीज, दे आर लीगल पर्सन, और इन लीगल पर्सन को आर्टिकल 19 की प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं है। उसके बाद दोस्तों खास बात क्या है, इसी आर्टिकल 19 में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बताए गए, यानी ये जो 6 राइट्स आपको दिए गए हैं, इन 6 राइट्स को एक्सरसाइज करते वक्त आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी डाले गए हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस कहाँ कहाँ पे हैं? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 4 में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 में है, आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में है। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या एक्सेप्शन है और आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में क्या एक्सेप्शन है, ये दोनों एक्सेप्शंस मैं आपको बताऊंगा। बाकी फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन से लेके राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पे हम कवर करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे आए दोस्तों, आपके पास देखे किस किस चीज की फ्रीडम है, ये आपको समझना है। आप अपने व्यू पॉइंट को किसी और को बता सकते हो,
हर सिटीजन के पास ये राइट है कि वो बोल के, लिख के, प्रिंट करके, किसी तरीके का कोई डायग्राम, कोई फिगर बना के अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकता है। तो आप देखोगे जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, मीडिया के जो बोलने की ताकत है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आपको आर्टिकल 19 के थ्रू मिलता है। ठीक है, आप अपने व्यू पॉइंट को किसी और को बता सकते हो, ये अधिकार भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में मिलता है। आप किसी कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हो, तो अगर वो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट एक लिमिट से ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है तो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट की भी फ्रीडम है। फिर अगर आप टेलीफोन से किसी से बात करते हो तो आपकी टेलीफोन लाइंस को टैप ना किया जाए, क्योंकि कई बार होता है कि भाई आप टेलीफोन लाइंस पे सीक्रेटली बात करते हो, किसी से बात कर रहे हो, अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे हो, वाइफ से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो, या अपनी लाइफ की कोई पर्सनल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो, उस केस में अगर आपका टेलीफोन टैप किया जाएगा तो आपकी सीक्रेसी को वायलेट किया जाएगा। तो उसको बचाने के लिए आपके पास फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। अब ये जो मैं आपको स्पेसिफिक चीजें बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू आई है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग जजमेंट्स के थ्रू चीजें बताई हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अंडर आर्टिकल 19, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। आप कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। टेलीफोन कन्वर्सेशंस को टैप नहीं किया जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी किसी भी तरीके का बंद बुलाती है, किसी भी तरीके का स्ट्राइक बुलाती है, तो आप उस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट ना करो, इसकी आपके पास आजादी है, ये किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर ये बोला गया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे किसी भी तरीके की चीज को टेलीकास्ट करना, अनटिल अनलेस वो नेशनल सोवरेनिटी और यूनिटी के अगेंस्ट ना हो, आपको फ्रीडम है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे टेलीकास्ट करने की मोनोपोली गवर्नमेंट को नहीं है। आप देखिए दोस्तों, चाइना में जो गवर्नमेंट चाहती है वो छपता है, जो गवर्नमेंट नहीं चाहती वो छपता ही नहीं है। इंडिया में लकली ऐसा नहीं है, इंडिया में गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं रोक सकती। आप जो चाहो वो लिख सकते हो, बस जो आप लिख सकते हो, दैट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ द यूनिटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर आपको राइट्स है कि गवर्नमेंट जो जो भी काम कर रही है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में आप पता कर सकते हो। बट जब भी आपको ये राइट मिलता है कि आप गवर्नमेंट एक्टिविटीज के बारे में पता कर सकते हो, तो ये अनलिमिटेड राइट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो कल की डेट में आप ये बोलो कि भैया मुझे ये जानना है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ ने पाकिस्तान में हमारे कितने एजेंट डिप्लॉय किए हैं, ये मुझे बताओ, ये मेरा हक है, ये आपका हक नहीं है। आपका हक वो है जो पब्लिक इंटरेस्ट में आता है, वो नहीं जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। फिर फ्रीडम ऑफ साइलेंस, आप किसी चीज पे नहीं बोलना चाहते हो, चुप रहना पसंद करते हो, अपने विचारों को व्यक्त करना नहीं पसंद करते हो, तो आपको राइट टू साइलेंस है। आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करी जा सकती कि आप किसी टॉपिक पे बोले, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑफ अ न्यूज़पेपर, तो कोई न्यूज़पेपर अगर न्यूज को छापता है तो उस न्यूज को आप प्री सेंसर नहीं कर सकते। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो यही प्री सेंसरशिप आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर नहीं हो सकता। न्यूज़पेपर छाप सकता है चीजों को, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेगुलेशंस, बट आप किसी न्यूज़पेपर को छपने से रोक नहीं सकते। फिर आपके पास राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, राइट टू पिकेटिंग है। पिकेटिंग क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक शॉप चल रही है, कोई एक कंपनी चल रही है, और आप उस कंपनी में जो कुछ भी बन रहा है उससे वाकया नहीं रखते हो, आप उससे मैच नहीं खाते हो। तो मान लीजिए कि किसी एक कंपनी में केमिकल्स बन रहे हैं, अब वो केमिकल नियम कानून के हिसाब से बन सकते हैं, बट आपको लगता है कि वो केमिकल हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप पिकेटिंग कर सकते हो। आप उस केमिकल फैक्ट्री के बाहर खड़े सकते हो, पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो, और अपने पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू उस कंपनी के ऑफिशियल्स को बता सकते हो ये बंद करिए, हमारे एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये पिकेटिंग है, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है कि आप फोर्सफुली चीजों को होने से नहीं रोक सकते, दिस यू कैन नॉट डू, ठीक है। तो राइट टू स्ट्राइक इज नॉट इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर में राइट टू स्ट्राइक इंक्लूडेड नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिए दोस्तों, कुछ एक्सेप्शंस हैं। ऑब्वियसली बात है, स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, तो ये क्लॉज 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। आप इसको पॉज करिए और इसको एक बार पढ़िए, पढ़ लिया अब मैं बताता हूं। नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1, तो सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 क्या है दोस्तों? सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चलते देखिए क्या लिखा हुआ है, शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ
एग्जिस्टिंग लॉ प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोजेस। देखिए अगर कोई प्रेजेंट लॉ बना हुआ है या स्टेट मान लीजिए ऐसा कोई लॉ बनाती है और उस लॉ के चलते कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मानी जाएंगी। और अगर वो लॉ बनाया गया है किस टर्म्स में, वो लॉ बनाया गया है फॉर द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फॉर फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, फॉर पब्लिक ऑर्डर, फॉर डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। मान लीजिए यूएसए के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस है और अभी की डेट में दोस्तों चाइना एलएसी पे स्टैंड ऑफ कर रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए मान लीजिए हमें यूएसए की जरूरत है, ठीक है। लेकिन यूएसए में अभी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु को लेके काफी प्रोटेस्ट हुए, तो मान लीजिए इंडिया का एक बहुत बड़ा तबका डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक मोर्चा छोड़ देता है कि भैया हम डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट, और पूरे इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के लिए प्रायोरिटी क्या है, चाइना से हमारे बॉर्डर्स को बचाना, चाइना से हमारे लैंड को बचाना, जिसको बचाने में हमें कौन मदद कर रहा है, यूएसए मदद कर रहा है, तो यूएसए हमारी फ्रेंडली कंट्री है। और अगर यूएस के प्रेसिडेंट के खिलाफ लोग खुलेआम सड़कों पे आके प्रदर्शन करेंगे तो यूएस के साथ हमारे रिलेशन खराब हो सकते हैं, उस केस में उस प्रदर्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है सरकार ताकि यूएसए के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा रख सके। तो फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ऑन योर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के चलते आप पिकेटिंग कर सकते हो यूएस एम्बेसी के बाहर, बट यूएसए के साथ रिस्ट्रिक्शंस, यूएसए के साथ रिलेशन ना खराब हो जाए तो आप उस पिकेटिंग को रोक सकती है, सरकार उस पिकेटिंग को रोक सकती है। उसी तरीके से फॉर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, हमारे स्टेट की सिक्योरिटी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, डिसेंसी के लिए, मोरालिटी के लिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रोकने के लिए, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, इन सब के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कुछ लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, फ्रीडम ऑफ असेंबली। फ्रीडम ऑफ असेंबली को दोस्तों हम अगली वीडियो में देखते हैं, अभी के लिए वीडियो आधे घंटे की हो ही गई है, मैं कल ही कोशिश करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए ले आऊं, अभी के लिए इस वीडियो खत्म कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो, पसंद आ रही हो तो दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए 30 मिनट्स की वीडियो में रखने की कोशिश करता हूं, अब अगर फ्रीडम ऑफ असेंबली यहां बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो वीडियो अभी के लिए यहां रोक रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जल्दी वीडियो अपलोड करूंगा, वीडियोज को शेयर जरूर करते रहे। गुड बाय।